अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं भाई। आज है 10 दिसंबर 2020 और भाई दिन है जुमेरात का, वीकेंड चल रहा है और इस वक्त टाइम बज रहे हैं शाम के 6। और अभी प्लान बना भाई बच्चों का कि बच्चों को कॉर्निश लेके जाना है, तो मैंने सोचा चले एक आप लोगों के लिए व्लॉग बना लेते हैं। कॉर्निश के पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जो अबहुर कॉर्निश है उसका मैंने बनाया था, लेकिन जो यहाँ करीब करीब के जो पॉइंट्स हैं उनका मैंने नहीं बनाया था। तो आज आपको इंशाल्लाह जो करीब करीब के पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सारों को कवर करता जाऊँ और आप लोगों को दिखाते हैं पॉइंट्स कॉर्निश के। तो चले चलते हैं, चले भाई बैठे 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 बैठे। अच्छा जी, हम लोग पहले जा रहे हैं, कॉर्निश पॉइंट है एक बल्ब के करीब है वो, जहाँ पे हम लोग जब मैं शायद टेलीविजन पे रहा करता था तो वो घर के करीब पड़ता था, तो वहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट डेली जाया करते थे हम लोग। डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर जाते थे। तो पहले आप वो वहाँ लेके जाते हैं, उसके बाद फिर एक यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा फाउंटेन है, वहाँ पे इंशाल्लाह लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये नई बिल्डिंग बनी है मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया की। पहले यहाँ पे ये साथ वाली बिल्डिंग थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। ये आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ, ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस, बिल्डिंग है इनकी। यहाँ भी कई चक्कर लगे मेरे, दिन में 2-2, 3-3। जी जनाब, हवा बहुत अच्छी चल रही है, शायद आपको आवाज़ शायद क्लियर ना आए। ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कभी पहले आया करते थे, ये आगे तक है, आगे भी है, और इसके पास ही थोड़ा सा फिश मार्केट भी आ जाएगी। यहाँ से सीधा जाएंगे ना आप तो करीब ही फिश मार्केट भी है जद्दा की, और ये पॉइंट है एक छोटा सा। पहले यहाँ पे फैमिलीज काफ़ी आया करती थी, अभी फैमिलीज जब से ये टैक्स शुरू हुआ है सऊदीया में तब से फैमिलीज मोस्टली चली गई हैं, और बस यही हालात चल रहे हैं। यहाँ पे हैं कुछ फैमिलीज आई हुई हैं मोस्टली, यहाँ पे मसरीज ये जो मसरी है, यमनी है, ये लोग आते हैं मोस्टली इस पॉइंट पे। तो अच्छा पॉइंट है, नॉट बैड, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे स्मेल आती है कुछ, क्योंकि मछली मार्केट करीब है। अभी हम चल रहे हैं भाई दूसरे स्पॉट पे जहाँ पे फाउंटेन है, इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ का। वो आपको शायद फाउंटेन नजर आ रहा होगा, अभी हम लोग उस पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ से भी काफी ज्यादा दूर नजर, हालांकि यहाँ से काफी दूर है, और अभी चलते हैं यहाँ पे। देखिए भाई लैंप है बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे ना आप तो आगे बलद आ जाएगा, इसी रोड पे ये सीधा रोड जाएगा बलद को और फिश मार्केट को, लेकिन मैंने जाना है बैक साइड पे, यहाँ पे है दूसरा पॉइंट आएगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ यू टर्न, क्योंकि बल्ला जाने का भी प्लान नहीं है। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं दूसरे स्पॉट पे, अब अल्लाह करे यहाँ पे पार्किंग मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पार्किंग नहीं मिलती। आप दुआ करें यार पार्किंग मिल जाए, वैसे आज रश इतना ज़्यादा नहीं है, मिल जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं यार, ये तो ऑलरेडी बेचारे क्यू में लगे हुए हैं, यू टर्न लेना पड़ेगा, तो दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। ये होटल है और सुना है इसका खाना बहुत अच्छा है, कभी ट्राई नहीं किया लेकिन काफी लोगों ने इसकी तारीफ की है। अच्छा भाई, पार्किंग तो पीछे नहीं मिली, अब मैं यू टर्न लेके दोबारा वापस जा रहा हूँ कोई और पार्किंग ढूंढने के लिए। नहीं भाई, फाइनली हमें पार्किंग मिल गई है और हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे पॉइंट पे, और यहाँ पे बच्चों के
कोई झूले झूले भी लगे हुए हैं और अच्छा स्पॉट है ये वाला। और वो रहा भाई फाउंटेन, थोड़ा मैं क्लियर व्यू दिखाता हूँ आपको आगे जाके। जी जनाब ये है वो फाउंटेन जो कि बहुत पुराना है और 1985 में ये बना था और ये काफ़ी दूर से शहर से आप अगर दूर भी होंगे तब भी आपको ये नज़र आएगा, इतना ऊंचा जाता है। थोड़ा जूम इन करो, हो गया भाई जूम इन। ये देखें कहाँ तक जा रहा है, वाह 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 वाह। ये सारे वो बैठे हुए बेचने वाले, इन लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है। और इस साइड पे हैं थोड़ी बहुत स्लाइड्स और झूले वगैरह। ये चीज जोर जोर से जोर से मुझसे पांव पर करें ऐसे, अभी करें अभी। ये अच्छा भाई, ये नीचे आपको एक नाम नज़र आ रहा है, अमीरा मोना के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको विज़िट करें। इनका जो चैनल का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जद्दा में होती हैं और डिफरेंट लोकेशंस के ये वीडियोस बनाती हैं, व्लॉग बनाती हैं, काफ़ी एंटरटेनिंग है। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। किधर मूसा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलें 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 चलें, शाबाश। चलें मूसा आप भी आए, हाँ इधर पाँव रखें बेटा। यस यस, आराम से आराम से आराम से, आजो 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 आजो। बहुत हार्ड नहीं है, आ जा खिदर। ये चीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान शुरू हो गई है यार। स्पिन करें जोर से डाउनवर्ड। ये आजे मूसा, इधर आए बेटा इधर, चले आज 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 चले आगे चले। माशाल्लाह ये देखें जमात हो रही है, मेरा वजू नहीं है अल्लाह माफ करे, तो मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी है इशा की, घर जाके इंशाल्लाह नमाज पढ़ता हूँ। क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी बंद किए हैं, इन लोगों ने वजू नहीं कर सकते, आप लोग वजू भी बाहर से करके घर से करके आना पड़ता है आपको, तो मुझे डाउट ही था वजू है नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह अभी घर जाके पढ़ता हूँ। ये यहाँ पे सबसे अच्छी खूबसूरती यही है भाई, नमाज के टाइम होता है सब कुछ बंद हो जाता है और आप बस मसल्ला बिछाओ नमाज पढ़ लो। अच्छा भाई अभी हम लोग जा रहे हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है जी एक्वेरियम है यहाँ पे, उसके करीब है एक पॉइंट, वहाँ पे आप लोग लेके जाते हैं। अच्छा भाई वहाँ पे पहुँचने से पहले प्लान बन गया कि फ्रेश जूस पीना है, तो आपको दिखाते हैं फ्रेश जूस शॉप। मेरे ख्याल में पहले भी मैं बना चुका हूँ व्लॉग इसका, ये आगे भाई जूस वर्ल्ड के नाम से। पापा हम लोग नमाज के टाइम ये देखें, ये सारे ओरिजिनल फ्रूट्स हैं। पहले ये पूरी शॉप में लगे हुए थे लेकिन अभी इन लोगों ने, ये देखें सब ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल फ्रूट्स हैं। ले भाई फ्रेश फ्रेश जूस आगे। अच्छा भाई अभी हम लोग इस वक्त हैं तारिक मलिक पे और यहाँ से आगे हम लेते हैं यू टर्न और तीसरे कॉर्निश पॉइंट तक चलते हैं। अच्छा भाई ये बिल्डिंग है कंप्लीट, चारों तरफ से एलईडी है
और यहाँ से अब इंशाल्लाह हम लोग लेते हैं यू टर्न और फिर कॉर्नर शुरू करते हैं। ओके, ये सारे पाइप्स लगे हुए हैं, शायद पीवीसी पाइप्स हैं। यहाँ से आपको ये बिल्डिंग ठीक नजर आएगी, यहाँ से ये चारों तरफ से एलईडी है भाई, बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग है। नहीं भाई, हम लोग थर्ड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे समंदर है भाई, ये कॉर्निश पॉइंट है। मैं जरा यू टर्न लेके, एक तो मुझे यू टर्न बोलने पड़ रहे हैं असल में लोग यू टर्न बनाए बहुत लंबे लंबे हैं, ये सब काफी दूर यू टर्न आएगा अभी, तो आगे से यू टर्न लेके आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार, मैंने एक दो वीडियोस अपलोड की हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, और बहुत सारे दोस्त वगैरह जो हैं वो मुझसे मैसेज करते हैं भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, तो मेरे भाई मैं यूट्यूब चैनल पे अब कमेंट सेक्शन पे अपना नंबर दे नहीं सकता हूँ भाई, फैमिली वाला बनता हूँ, नंबर दे दिया तो पूरी दुनिया मुझे कॉल करती रहेगी, तो मेरे ख्याल में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और मेरे ख्याल में कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं, आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो यार माजरत है, मैं नंबर नहीं दे सकता, अगर किसी को पर्सनली कोई बात भी करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे अली उस्मान गनी लिखेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा, और फेसबुक में भी अबू खिदर के नाम से मेरा अकाउंट है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। ये है भाई यहाँ का एक्वेरियम, और इंतहाई फजूल है, 50-50 की डस्ट पड़वाई है हम लोगों ने एक बार, तो बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट करके गया था शायद ये जैसा दुबई में है ना वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। दुआ करो पार्किंग मिल जाए यार, पार्किंग पार्किंग। और जी फाइनली हम लोग आ गए हैं जी तीसरे पॉइंट पे, बड़े कमाल का पॉइंट है ये, और मौसम अच्छा है, हवा की वजह से ना लहरें वगैरह आ रही हैं अभी इस वक्त, पब्लिक बैठी हुई है एंजॉय कर रही है। यहाँ पे नीचे जाया जा सकता है लेकिन इस वक्त रात है, बेहतर ना ही जाए। यहाँ से कुछ व्यूज़ आपको दिखा दें, ये बिल्डिंग अभी बन रही हैं। अच्छा भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये फिश एक्वेरियम के बिल्कुल साथ वाला है, ये फिश एक्वेरियम है ठीक है, इसके साथ वाला बिल्कुल पॉइंट है जहाँ पे आप पानी में जा सकते हैं, नीचे ना खेले बेटा, चल इधर मुंह करो बनाए। जी जनाब, इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, वो थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा, नजर आएगा, वो नया पॉइंट है, वहाँ पे इस वक्त मैं जा नहीं सकता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको 3 पॉइंट्स का विज़िट करवा दिया है, तो इंशाल्लाह जो लास्ट पॉइंट रह गए जिस पे हम लोग जाया करते हैं अक्सर, जो नया पॉइंट है जद्दा का, वहाँ पे इंशाल्लाह जाके स्पेशल सिर्फ उसी का ब्लॉग इंशाल्लाह बनाऊँगा मैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह, तो बस अब यहाँ पे इंजॉय करते हैं। पानी की लहरें देखेंगे जैसे बेहतरीन किस्म की आ रही है, वहाँ चल रही ना आज मौसम अच्छा है। ले भाई, मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, अब अल्लाह करे यहाँ पे कोई केकड़े शेकड़े नजर ना आ जाए कोई। देखे पानी कितना साफ सुथरा है यार, ये चीज शायद आपको नजर आ रहा हो, रात का टाइम है और बड़ी बेहतरीन हवा चल रही है, लहरें आ रही हैं बड़ी बेहतरीन, सबसे अच्छा पॉइंट यही है इस वक्त। ये चीज कोई कीड़ा ना काट जाए मुझे, हवा अच्छी चल रही है ना इस वजह से लहरें काफी आ रही है माशाल्लाह, पानी साफ सुथरा है, नीचे से स्टोन भी नजर आ रहे हैं अभी इस तरह नहीं आ रहे। चले भाई अभी हम घर जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नजर आया था थीम पार्क टाइप, तो मैंने कहा चले इसकी भी इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, बस अभी हम जा रहे हैं घर और बाकी का वीडियो इख्तिताम करते हैं।
घर जाके इंशाल्लाह। जी जनाब, हम लोग घर पहुंच चुके हैं और इस वक्त रात के 10 बज गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, वीकेंड है तो बस इस वजह से लेट आए हैं। और अभी खाना खाने लगे हैं और भिंडियाँ, प्लान था अलबेग का, लेकिन अलबेग में आज वीकेंड की वजह से इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कोई सोच नहीं थी, दो तीन घंटे लग जाने थे। तो खैर, वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर, इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खाना खा लें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।